सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टाफ नर्स की वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, मैं इसमें वेरियस पोस्ट रहने वाली हैं, बट अपन स्टाफ नर्स वैकेंसी की पूरी बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए दोस्तों, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है और भी आपके लिए अच्छे से अच्छे वैकेंसी की जो नोटिफिकेशन हम लेके आते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो वैकेंसी वो केंद्रीय विद्यालय, जो कि आप देखें INSC शिवाजी लोनावाला की यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली है। दोस्तों, इसकी जो ऑफिशियल साइट भी यहाँ पर आपको मेंशन कर रखी है। दोस्तों, बात करेंगे वैकेंसी की पूरी डिटेल के बारे में। आप देख सकते हैं ये वैकेंसी लोनावाला की रहने वाली है, लोनावाला, ठीक। यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय INC शिवाजी लोनावाला में पूर्णतः अस्थायी, दोस्तों ये वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। संविदा पर शिक्षकों का एक पैनल तैयार का, मतलब इसमें शिक्षक और नर्स दोनों की वैकेंसी रहने वाली है। अलग अलग डेट में आपको इंटरव्यू दे रखा है दोस्तों। यहाँ पर 23-3 को इंटरव्यू है और 24-3 को भी इंटरव्यू है। अब अपनी जो स्टाफ नर्स की दोस्तों बात करेंगे, इसके लिए इंटरव्यू है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। नर्स के लिए मार्च 2021 को सुबह कितने बजे होगा, 9 बजे। अब कैसे क्या आपको वहाँ पर इंटरव्यू के लिए जाना है, वो सारी चीज़ हम बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर पंजीकरण संबंधित विषय के साक्षात के दिन, मतलब जिस दिन आपका जो आपका इंटरव्यू होगा उसी दिन 9 से 11 बजे तक आपका पंजीकरण, मतलब रजिस्ट्रेशन पहले होगा। उसके बाद में पात्र अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय मूल दस्तावेजों वो उनके एक फ़ोटो कॉपी सेट के साथ तथा एक पासवर्ड फ़ोटो सहित रिपोर्ट करें। साक्षात बाबत TA DA नहीं, मतलब किसी भी प्रकार का आपको TA और DA नहीं मिलेगा जब आप जाएंगे तब। साक्षात के समय सभी कोविड जो SOP है, जो कि वियरिंग ऑफ मास्क है वगैरह, सारे सैनिटाइजर वगैरह आप खुद को ले जाना पड़ेगा और पालन करना सुनिश्चित करें। और पहचान पत्र आप साथ में ज़रूर ले जाएं दोस्तों। विस्तृत विवरण तथा पात्रता हेतु विद्यालय की वेबसाइट आप पर जा अवलोकन कर सकते हैं दोस्तों। इस वैकेंसी में GNM जिसने किया है और BSc नर्सिंग किया है बिना किसी एक्सपीरियंस के, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आज की इस वीडियो में खास इन्फॉर्मेशन, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय की और भी वैकेंसीज आई हुई हैं, उनके वीडियोज़ अपने चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। उनमें सभी में जो कि बिना किसी एक्सपीरियंस के GNM और BSc नर्सिंग कैंडिडेट को इन्होंने अलाउ किया गया था। तो दोस्तों, आई होप सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो गए होंगे इस वैकेंसी रिलेटेड। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं और किसी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी फ्रेंड्स स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।